subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रोफाइल हेयर ट्रांसप्लांट एक जाना पहचाना नाम है। इनकी तरफ से क्लाइंट्स की हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर कट और कलर की ख्वाहिश को मुख्य रखते हुए हेयर सैलून बनाने का फैसला लिया गया, जिसकी आज ओपनिंग लुधियाना में की गई। इस मौके पर आयोजकों की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि हेयर कट, कलर, स्टाइलिंग, हेयर स्पा के लिए जावेद हबीब हेयर स्टूडियो में वर्ल्ड क्लास सर्विस दी जाएगी। संबंधित और तमाम जानकारियां मीडिया से साझा की गई। इस मौके पर क्या कुछ कहना रहा प्रबंधकों का, आइए सुनते हैं। देखिए, बालों को अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल कभी ना टूटें, कभी ना ग्रे हों, दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो बालों को हमें साफ़ करना पड़ेगा। साफ़ कैसे करेंगे? शैम्पू कर कर करेंगे। कौन सा शैम्पू करेंगे जो आपको पसंद है, कौन सा शैम्पू करेंगे जो सबसे सस्ता शैम्पू है। लेकिन बिकॉज हमारी क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट है, तो आप क्या करो, शैम्पू से पहले बालों के ऊपर या तो तेल लगा लीजिए, अगर तेल आपको पसंद नहीं है थोड़ा कंडीशनर लगा लीजिए, लेकिन शैम्पू से पहले। और कभी रात को तेल मत लगाना बालों के अंदर, कभी शैम्पू के बाद में कुछ मत लगाओ। अगर आप इसको फॉलो करेंगे आपको कहीं बाल टूटने वाला नहीं है। देखिए, मैं यही बोलूँगा कि ये जो बालों का प्रोफेशन है ना, हम बालों के डॉक्टर हैं, तो अगर आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आप बालों के डॉक्टर भी बन सकते हैं। सो प्लीज़, आपको ज़रूरी है कि सारे प्रोफेशन लेने, ये भी एक नया प्रोफेशन निकल के आया कोरोना के बाद में। सो प्लीज़ किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, दो तीन महीने का कोर्स कर लीजिए, उसके बाद में आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि स्काई इज़ ए लिमिट फॉर दैट। बाल झड़ने का एक कारण बहुत सिंपल है। लोग ना इतना टीवी देखते हैं, इतने सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट मत करो, ठीक है? एक्सपेरिमेंट क्या होना चाहिए, इससे सफाई होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ स्वच्छ एयर होने चाहिए। जितना स्वच्छ एयर हमारा होगा इतना ब्रीथ करेगा, जितना ब्रीथ करेगा इतना जल्दी ग्रो करेगा और इतना अच्छा नज़र आने वाला है। जी, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, प्लास्टिक सर्जन, डायरेक्टर प्रोफाइल हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, एंड वी आर द ओनर्स ऑफ जावेद हबीब हेयर स्टूडियो इन प्रोफाइल फोर्ट। सो अज मैं लुधियाना वासियां नू एक नवा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रहा जिदे च ए टू जेड रिगार्डिंग हेयर, जिस तरह जावेद जी ने दस्या कि हेयर नू किस तरह संभालना है, किस तरह सुंदर दिखाना है। अगर फिर भी अगर किसी का हेयर लॉस हो गया, किसी नू हेयर लॉस की परेशानी है, तो उदा अगला जड़ा स्टेप है वो हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर रिलेटेड रेस्टोरेशन मेडिकल सर्विसेज है। सो प्रोफाइल फोर्ट इन्हां दोवां चीज़ां का पूरा पूरा ध्यान रखेगा। ये अगर तुसी देखो इस बिल्डिंग दे विच इट इज़ वन स्टॉप शॉप नाउ, कि अगर किसी नू हेयर कलर करना है, हेयर डाई करनी है, हेयर कट, हेयर स्पा या कोई डिजाइनिंग या स्टाइलिंग करनी है, वो जावेद हबीब हेयर स्टूडियो ते उन्होंने टेक्नीशियन लोग देखेंगे। तो उदे बाद जो अगर कोई मेडिकल इशूज़ हैगे ने हेयर रिलेटेड, वो साडे अंडर आएंगे, प्रोफाइल हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी दे अंडर आएंगे। और ये अपने आप दे विच इंडिया दे विच एक यूनीक कॉन्सेप्ट है, जिते एक प्लास्टिक सर्जन ते एक हेयर स्टाइलिस्ट टीम एक बैनर नीचे आके कट्ठे काम करेगी, एंड इट विल गिव अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू विजन टू द पीपल ऑफ लुधियाना, के हुन इधर उधर जाने वास्ते कोई सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी उन्हां दी हेयर रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, असी इत्थे पूरी करन दे विच पूरी तरह सक्षम है। 7 तारीख मार्च तो ये पब्लिक वास्ते असी ओपन कर दिता है जी, और ये टाइमिंग्स यदा सारा कुछ असी तुहाडे प्रेस नोट दे विच रिलीज़ करांगे, जिदे नाल एनीवन हू वॉन्ट्स हेयर कट, हेयर स्टाइलिंग, मेल, फीमेल, किड्स, उन्हां वास्ते सारी सहूलियत है, प्राइवेसी है। और जिस तरह तुसी देखिया लोकेशन बड़ी स्ट्रैटेजिक है, सो किसी नू इत्थे पहुँचन वास्ते या इत्थों जाण वास्ते कोई ट्रैफिक दी कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उदे बाद अगर किसी दी कॉस्मेटिक सर्जरी या हेयर लॉस का इशू है, जो स्टाइलिंग नाल ठीक नहीं हो सकता, उदे विच असी लोग एज ए ट्रांसप्लांट सर्जन या प्लास्टिक सर्जन उन्हां दी हेल्प कर सकांगे। डेस्क रिपोर्ट, जनहितेश। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.